दोस्तों इस वीडियो में आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला है जो मान के चलिए यूट्यूब के जो बादशाह ही है यार, तो उनका यूट्यूब पर अभी 1.5 लाख सब्सक्राइबर है एंड वो आपको बताने वाला है कि आपका जो शॉर्ट्स चैनल है, लॉन्ग चैनल है एंड जो भी मानकर चलिए चैनल है वो सब कैसे ग्रो होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो हमेशा आपके पास पहुंचती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा बहुत बताइए हमारे व्यूअर को। पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम है संजीव। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मेरा एक टेक का चैनल है जिसमें मैं यूट्यूब टिप्स रिलेटेड जानकारी देता हूं, लॉन्ग शॉर्ट्स दोनों चैनल के बारे में बताता हूं, जिसका की नाम है टिकटॉक विद संजीव। और मैं सबसे पहले स्टार्ट किया था अपना यूट्यूब जर्नी एज अ शॉर्ट्स क्रिएटर, इसके बाद मैं टिक चैनल पर आया और अभी मुझे एक साल भी नहीं हुए हैं। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से आज 1.5 लाख सब्सक्राइबर की फैमिली है। बस यही छोटा सा एक इंटरव्यू है और क्या मैंने क्या क्या अचीव किया है, वो क्या क्या कैसे किया है, सारा कुछ आप इंटरव्यू सेशन में जानेंगे। सर, मैं गाइज आपको मैं बताया था ना कि एक साल के अंदर इन्होंने 1.5 लाख सब्सक्राइबर अचीव कर लिया, यार कोई मामूली बात है। सर, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप ये बताइए कि यूट्यूब पर आप कैसे आए, कब आए, मतलब आपका ख्याल कैसे आया कि मैं यूट्यूब पर आऊँ, यूट्यूब पर मैं वीडियो बनाऊँ, इस तरह का मतलब ख्याल कैसे है, इसके बारे में बताइए। तो मैंने जैसे स्टार्ट किया था, मैंने अपना पढ़ाई जो कर रहा था, मैं बीटेक में मैं था, मैं थर्ड ईयर में था और उस टाइम हॉस्टल में था तो वहां पर फ्री का नेट मिलता है और उस टाइम जियो भी बहुत ज्यादा बूम कर रहा था। तो मैं यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था तो मुझे पता चला कि हाँ, यूट्यूब पर भी बहुत ज्यादा पैसा है क्योंकि वहां पर लाइफ स्टाइल ये सब देख रहा था। तो लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आया वो यूट्यूब टिप्स में आया, कि यूट्यूब टिप्स रिलेटेड चैनल्स पर ज्यादा इंटरेस्ट आया क्योंकि मैं स्टार्ट से टेक बैकग्राउंड से भी था, क्योंकि पढ़ाई भी मेरी टेक से रिलेटेड थी, एज ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा था। तो मेरा यही था, हाँ। तो मैंने स्टार्ट किया कि हाँ, मुझे चैनल तो यार बनाना है, लेकिन यह था कि पहले खुद तो जानकारी लें आखिर बताएंगे क्या वीडियो में, हाँ। तो यही सब दिमाग में था। लेकिन फिर धीरे धीरे, उस समय पढ़ाई चल रही थी तो टाइम मिला नहीं, लेकिन पढ़ाई खत्म होने के बाद फिर मैं जॉब के लिए गया। मेरी जहां जॉब लगी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर, वहां पर मैं गया, एक महीने किया, मुझे जॉब में मजा नहीं आ रहा था, मतलब मैं वहां पर बोर हो रहा था, तो मुझे ऐसा लगा मुझे खुद का कुछ करना है। तो मैं वो डिसाइड किया, तब भी यूट्यूब का दिमाग में नहीं था, मुझे यूट्यूब ही करना है। मैं वहां पर छोड़कर घर पे आ गया और घर पे आने के बाद मैंने क्या किया कि मेरे दिमाग में था क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो फिर मैं वही से पुराने से फिर से जो कहते नहीं पुराना प्यार फिर से जाग उठा, तो फिर से वही यूट्यूब की याद आई, फिर से मैं सोचा चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इधर उधर का चैनल बनाया, सही से नहीं, ना रेगुलर था और ना मेहनत से काम कर रहा था। लेकिन फिर जब शॉर्ट्स तेजी के साथ चला तो मैंने एक शॉर्ट्स चैनल को देखा कि हाँ भैया, इस फैक्ट टाइप का तो मैं भी बना सकता हूं, तो मैंने फैक्ट का चैनल स्टार्ट किया मई 2021 में, अपना मैंने पहला चैनल स्टार्ट किया शॉर्ट्स का। जी एंड सर, आपका यूट्यूब पर कितने चैनल है, शॉर्ट्स लॉन्ग मिलाकर? शॉर्ट्स के मेरे 3 चैनल है और लॉन्ग के 1 है, तो टोटल मेरे पास 4 चैनल अभी हैं, पहले और भी थे, अभी मैं प्रोजेक्ट। एंड हाईएस्ट कितने सब्सक्राइबर हैं? हाईएस्ट मेरा एक शॉर्ट्स का चैनल है जिस पर 1.1 मिलियन के समथिंग सब्सक्राइबर है। अच्छा, आप YouTube पर कब से काम कर रहे हैं? मैं YouTube पर जो रेगुलर काम कर रहा हूँ वो मई 2021 से स्टार्ट किया हूँ, मतलब लगभग 1.5 साल होने वाले हैं मुझे। अच्छा, पूरे YouTube जितने भी आपका चैनल मिलाकर? हाँ, पूरे चैनल 1.5 साल हो चुके हैं। अच्छा सर, आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जितने लोग देख रहे हैं ना, शॉर्ट्स का फ्यूचर है या फिर लॉन्ग वीडियो का फ्यूचर है, इसके बारे में बताइए। जो लोग काम करना चाहते हैं वो लोग किस पर काम कर रहे हैं, मतलब आप एक बेस्ट एडवाइस दीजिए उन जैसे यूट्यूबर को जो आगे बढ़ना चाहते हैं एंड कुछ करना चाहते हैं, उनके बारे में बताइए। तो इसके लिए मैं मानता हूं कि शायद मेरे से अच्छा कोई एडवाइस दे पाए, क्योंकि मैं पहले शॉर्ट्स क्रिएटर था, अभी लॉन्ग क्रिएटर हूं, तो मैं दोनों चैनल पर काम किया हूं पर्सनली। तो तो अगर मुझसे कोई पहले पूछता कि शॉर्ट्स पर काम करना चाहिए लॉन्ग पर, तो मैं तुरंत बोलता कि भैया लॉन्ग चैनल का फ्यूचर है, शॉर्ट्स पर मत काम करो, अगर पहले कोई पूछता। लेकिन जब से नया अपडेट आया कि शॉर्ट्स आपका 15 जनवरी से मोनेटाइजेशन स्टार्ट होगा और 1 फरवरी से आपके पैसे बनने लगेंगे, जो आपके शॉर्ट्स से व्यूज आएंगे उसका डॉलर्स, तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों पर पैसा है, और इतना बताऊंगा कि दबाकर पैसा है। और शॉर्ट्स वालों के पास तो भैया बहुत पैसा आने वाला है, क्योंकि उनका जो 1 फरवरी से स्टार्ट होगा मोनेटाइजेशन से भी अच्छा खासा पैसा बनेगा, और इसके साथ ही स्पॉन्सरशिप स्टार्ट कर दी है कंपनी लोग, तो बहुत ज्यादा स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं। तो आपका आपका जिसमें मन है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका जैसे आप कॉमेडी वगैरह ये सब करना चाहते हैं, तो स्टार्ट में आप अपना एक शॉर्ट्स चैनल बनाकर स्टार्ट करिए, क्योंकि कम एफर्ट लगता है, कम टाइम लगता है, आप बनाएंगे और थोड़ा जब ग्रो हो जाएंगे तो एक अंदर से मोटिवेशन आता है और कॉन्फिडेंस आता है, तो आप लॉन्ग भी चला सकते हैं।
एंड गाइज आप लोग से कहना चाहूंगा कि जिसमें आपका मन लगे, ये नहीं कि जैसे कि हम लोग टेक्स रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, आपका मन कैटेगरी में जैसे कि कॉमेडी में ज्यादा लग रहा है, तो आप दूसरे को देखकर अगर आप टेक में आते हो ना तो आप ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे, ठीक है। हम लोग 4 सालों से काम कर रहे हैं, सर भी 1.5 साल हो गया सर का भी, एंड बहुत सारे यूट्यूबर हैं बहुत सालों से काम कर रहे हैं ना, उन लोग का एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है। अगर आप शुरू में आते हो जैसे कि दूसरों के देख कर आते हो कि भाई घर में बैठकर वीडियो बना रहा है इसी के जैसे हम भी वीडियो बनाते हैं, तो इस तरह नहीं हो पाएगा भाई। सर आपसे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करना चाहूँगा, बहुत सारे जितने भी व्यूअर देख रहे हैं ना इसी क्वेश्चन का वेट कर रहे होंगे कि ऐसा सीक्रेट टिप्स बताइए कि जिससे हम लोग का शॉर्ट्स वायरल हो जाए, ठीक है। हम लोग ऐसे डाल रहे हैं जैसे एक शॉर्ट, हमने भी बहुत सारा शॉर्ट्स डाल दिया एंड बहुत सारे लोग डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप बताइए कोई सीक्रेट टिप्स बताइए जिससे शॉर्ट्स वायरल हो जाए पूरा अच्छी तरह से डिटेल में। हाँ, ये काफी लोग पूछते हैं, तो मैं बता दूं कि सीक्रेट टिप्स का मतलब है कि एक तरीका होता है काम करने का। आपको भी पता है कि जैसे लॉन्ग है शॉर्ट्स है, ऐसा कोई मतलब है नहीं कि तुरंत बताओ तुरंत कुछ हो जाए, लेकिन हाँ कुछ तरीके होते हैं जो कि मैं अपने चैनल्स पर बताता हूँ, पूरा एकदम डिटेल में बताता हूँ। और ये भी कहते हुए मुझे काफी खुशी होती है कि आप जाकर देखेंगे कमेंट सेशन में, तो वहां पर ऐसे ऐसे चैनल्स मुझ कमेंट करते हैं सर आपकी वजह से ग्रो हुआ, जिसके 7-7, 8-8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो तरीके वो फॉलो किए और काम करके आगे बढ़े। तो जो आपने पूछा उसका मैं एक छोटे से जवाब दे देता हूं कि शॉर्ट्स में कैसे ग्रो करते हैं, कैसे वायरल करते हैं। तो मेन जो काम होता है कि शॉर्ट्स वीडियो में आप अपने शॉर्ट्स वीडियो पर ऑडियंस को कितनी देर रोक पाते हैं उसी से वायरल जाता है, यानी ऑडियंस रिटेंशन। जब तक वो हाई नहीं होगा आपका वायरल नहीं जाएगा। तो इसके लिए सबसे मेन है कि अगर आप स्टार्ट करते हैं काम करना स्टार्ट किए हैं तो वीडियो को छोटा बनाइए, 50 सेकंड 40 सेकंड ऐसे मत बनाइए, मैक्स टू मैक्स 25 से 30 सेकंड का वीडियो बनाइए बस, क्योंकि ज्यादा बनाएंगे तो उसमें गलती करेंगे तो लोग बोर होकर भाग जाएंगे, ऑडियंस रिटेंशन कम हो जाएगा। तो आपको छोटा वीडियो बनाना है ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तब की बात कर रहा हूं। और उसके साथ साथ आपको एक ऐसा सस्पेंस वाला लिखना है पूरा स्क्रिप्ट कि आप जब वीडियो स्टार्ट करें तो 10 सेकंड के अंदर जो ऑडियंस देखने के लिए आपके वीडियो आए हैं वो एकदम रुक जाए कि भैया पूरा देखकर जाना है, कुछ धमाकेदार ये बताने वाला है। तो ये चीज आपको करना है, एकदम अच्छे से स्क्रिप्ट लिखना है और जो टाइटल होता है शॉर्ट्स का ज्यादा नहीं 5-6 वर्ड में लिखना है, और ऐसा लिखना है कि वो रुक जाए, जैसे होता नहीं है टाइटल में कि लास्ट में इस लड़के के साथ ऐसा हो गया। तो ये सब जब लोग पढ़ते हैं तो अंदर से वो क्यूरियस हो जाएंगे, और जब आप अपना अच्छे से स्क्रिप्ट लिखते हैं तो 10 सेकंड में अगर आप ऐसा कुछ बोलेंगे कि वो रुक गए तो वो लास्ट तक देख कर जाएंगे और ऑडियंस रिटेंशन हाई हो गया, तो वायरल होने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। एंड सर एक और क्वेश्चन करना चाहूंगा, जो शॉर्ट्स चैनल इसमें बना रहे हैं किस टाइप का बनाए कि जल्दी से ग्रो हो जाए इसके बारे में बताइए, किस टाइप से इस समय चैनल बहुत ही ज्यादा जल्दी ग्रो हो रहा है इसके बारे में। तो भाई मैं आपको बता दूं कि यार हर टाइप का चैनल, सभी चैनल्स हमेशा जल्दी ग्रो हो जाते हैं, बशर्ते आपका इंटरेस्ट किस में है, आप सही कॉन्टेंट किस में दे पाएंगे, लंबे टाइम तक रुककर काम किस में कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप आज से YouTube स्टार्ट किए और कल ही ग्रो हो जाएंगे, आपको यहां पर टाइम देना पड़ेगा, और टाइम देंगे तभी देंगे जब आपका जिसमें इंटरेस्ट होगा वो काम करने में। अब जैसे टेक के चैनल का आपने सुना ही होगा, आप भी टेक के हैं तो लोग बोलते हैं इसमें काफी टाइम लगता है ग्रो होने में, लेकिन मैं यहां पर जनवरी से चैनल स्टार्ट किया, मार्च में मेरा चैनल ग्रो हो गया, मोनेटाइज हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने एक यूनिक कंटेंट बनाया, शॉर्ट्स रिलेटेड चीजें बताई और मेरा ग्रो हो गया। तो अगर आप जिसमें किसी भी कैटेगरी में जाते हैं और आपके मन में ये है, आपके अंदर एकदम पूरा विश्वास है कि मैं यहां पर यूनिक कंटेंट दे दूंगा और लंबे टाइम तक देता रहूंगा कंटेंट, तो आप उसमें हमेशा ग्रो हो जाएंगे चाहे कोई भी कैटेगरी हो। एंड सर एक और क्वेश्चन है कि आप ये बताइए जो सब्सक्राइबर लोग बेच रहे हैं, ठीक है, बेच रहे हैं, सब्सक्राइबर खरीद रहे हैं, व्यूज खरीद रहे हैं, उससे क्या फायदा है क्या नुकसान है इसके बारे में बताइए, क्या करना चाहिए, सही है या गलत? वो वेबसाइट वाला हम बात कर रहे हैं जो वेबसाइट से खरीदते हैं। तो भाई मैं वेबसाइट ही नहीं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जहां पर अपना चैनल का आईडी पासवर्ड लोड दे दे रहे हैं एंड वहां पर सोच रहे हैं कि उनको सब्सक्राइबर मिल जाएगा, उनका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ये है वो है बहुत। तो भाई मैं आपको बता दूं कि मेरा भी जब चैनल ग्रो हुआ तो मेरे पास ऐसे ऐसे प्रमोशंस आते हैं वेबसाइट्स के कि बोलते हैं भैया आप प्रमोट कर दीजिए, एक वीडियो में बता दीजिए कि एक मेरा वेबसाइट है जहां पर आप सब्सक्राइबर खरीद सकते हैं, व्यूज खरीद सकते हैं, वॉच टाइम ले सकते हैं। और वो मुझे एक एक वीडियो का इस समय 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं, एक वीडियो का 1 लाख रुपए मुझे ऑफर वो करते हैं। लेकिन मैंने सीधे से बोल दिया कि भैया अगर मैं ये चीजें बता दिया तो मेरा फिर यूट्यूब पर रहने का मतलब क्या निकला।
क्योंकि भैया मैं टेक का चैनल है तो मैं टेक में बताता हूँ आप लोग कैसे ग्रो करेंगे। अगर वही ग्रो करने का मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कि भैया वेबसाइट से खरीद लो ये खरीद लो, तो फिर मेरा मतलब क्या रहेगा यूट्यूब चैनल बना के आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का। तो मैं डायरेक्ट उनको मना कर देता हूँ और गाली देकर मना करता हूँ कि दोबारा मैसेज मत करना मेरे पास। तो सीधी सी बात है भाई, अगर आप यूट्यूब पर आए हैं तो पैसे कमाने के लिए, और पैसा कब मिलेगा आपको, जब आपके साथ लोग जुड़ेंगे आपके वीडियो को वॉच करेंगे। और कब जुड़ेंगे, जब आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे और अच्छे कंटेंट को देखकर वो पसंद करेंगे। वेबसाइट से आप सब्सक्राइबर जो लेते हैं वो सब पूरा जान लीजिए कि वो मशीन के रूप में सब्सक्राइबर होते हैं, बस आप अलग अलग आईडी से सब्सक्राइब किए रहते हैं, कोई व्यूज नहीं आता, आपका चैनल खत्म हो जाएगा, एक रुपए नहीं कमा पाओगे और जिंदगी में कभी सोचोगे भी नहीं यूट्यूब पर आने के लिए। इसलिए कभी भी एक रुपए इन सब चीजों के लिए मत खर्च करना, सही तरीके से काम करो। तरीके हम भी बता रहे हैं और भी यूट्यूबर्स हैं जो सब बता रहे हैं, फॉलो करो, काम करो यार, बस उसी से ग्रो हो जाओगे। ये सब चक्कर में कभी भी मत पड़ना। एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जो लोग अभी न्यू आ रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है, लोग वीडियो बनाना चाहते हैं, जैसे कि इसमें आप लोग देखे होंगे आपके कमेंट सेक्शन में बहुत सारा कमेंट आता होगा कि सर मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉन्टेंट बना रहा हूँ। जो लोग सच में अच्छा कॉन्टेंट बना रहे हैं उनका चैनल क्यों नहीं ग्रो हो रहा है, ये बताइए। नहीं होता, होता है ऐसा कि हाँ अच्छा कंटेंट, कोई टैक्स भी अच्छा डालते हैं, वीडियो क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छा है, तगड़ा है, सब कुछ बेस्ट है, थंबनेल भी बेस्ट है, तो उनका चैनल ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, ये बताइए। देखिए ग्रो अगर नहीं हो रहा है तो कुछ तो है जो वो सीधा दिमाग लगाकर काम कर रहे हैं, कुछ तो ऐसी बात है। देखिए आप अच्छा कंटेंट बना रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन जैसे आप कंटेंट कोई बना रहे हैं, अब आप वही बना रहे हैं जो सभी बना रहे हैं तो नहीं चलेगा। जैसे मैं YouTube टिप्स कोई दे रहा हूं, ऐसे ही टिप्स कोई और देने के लिए आ जाए तो उसका वीडियो कोई क्यों वॉच करेगा, क्योंकि भैया मेरे पास पहले से सब्सक्राइबर है, मैंने शॉर्ट्स चैनल पर काम किया है, मेरे पास ये प्ले बटन्स लगे हुए हैं, तो ये सब देखकर वो मेरा वीडियो देखेंगे ना कि उसका, भले ही वो मेरे जैसा ही क्यों ना बताता हो। तो अगर आपको यहां जल्दी ग्रो करना है तो सिर्फ सही कंटेंट बताने से नहीं होगा, आपको ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है वो चीजें पकड़कर कुछ अलग तरीके से बताने की जरूरत है, कुछ अलग करने की जरूरत है। और थोड़ा थोड़ा कोई कोई चैनल होता है कि वो वाकई में बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, नहीं ग्रो हो पाते हैं, तो उनके लिए सीधी सी एक बात है कि भैया किसी का 6 महीने में ग्रो हो जाता है, किसी का 1 साल में ग्रो हो जाता है। लेकिन अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, आज आपका नहीं ग्रो हुआ है, रेगुलर करते रहेंगे काम, 1 साल लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, लेकिन ग्रो होगा, और जितने टाइम बाद ग्रो होगा उतने ही आप निखर कर और सामने आएंगे। ये भी लास्ट में सर झूठ मत बोलिएगा, जो भी क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है, आप अपना अर्निंग के बारे में बताइए कि आपका अर्निंग कितना हो जा रहा है मंथली, आपका पूरे चैनल को मिलाकर, मतलब एक एक चैनल नहीं पूछूंगा, पहले आप शॉर्ट्स का पहले बता दीजिए, उसके बाद लॉन्ग बताइएगा, ठीक है, जितना 3 शॉर्ट्स आपका चैनल है, शॉर्ट्स से कितना अर्निंग हो जा रहा है। जो लोग बोल रहे हैं कि शॉर्ट्स से अर्निंग ही नहीं हो रहा है, बहुत सारा कुछ बोल रहे हैं ना कि $1 बन रहा है 20 मिलियन व्यूज पे, सब बताइए कितना डॉलर बन रहा है आपका। नहीं अभी जो लोग बोल रहे हैं कि हाँ इतने व्यूज का इतना डॉलर बन रहा है, तो वो सच है, क्योंकि भैया जो ब्राउज फीचर से व्यूज आते हैं उसी का डॉलर्स बनता है, तो अभी तो नहीं बन रहा है, लेकिन 1 फरवरी से अच्छा डॉलर्स बनेगा। लेकिन मैं अपना बता दूं तो मैं अभी शॉर्ट चैनल पर यार रेगुलर काम नहीं कर रहा हूं, काम नहीं कर रहा हूं मतलब बंद किया हूं, और अभी टीम रखूंगा तो काम करवाऊंगा ऐसा सोच रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहे थे, जब शॉर्ट्स अभी स्टार्ट ही हुआ था, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहा था, तब पर भी मैंने अपने शॉर्ट्स चैनल से 80,000 रुपए 90,000 रुपए एक एक शॉर्ट चैनल से एक एक महीने में अर्न किए हैं। और रही यूट्यूब अर्निंग की बात, तो शॉर्ट्स और लॉन्ग से इतना ही आप समझ लीजिए कि मैं भी 1 साल से अर्निंग कर रहा हूं यूट्यूब से, और 1 साल के अंदर ही मैं भी स्टूडियो बनवा रहा हूं और अपना खुद का, जो कि जिसकी लागत लगभग 15 से 20 लाख रुपए है, तो मैं सारा कुछ यूट्यूब से लिया हूं, और इसके साथ ही जो मैंने और भी खर्च किए हैं उसकी बात ही अलग है। इस समय आपका मंथली इनकम कितना हो जा रहा है, जो आपका मेन चैनल है टिकटॉक विद संजीव, इससे मेन चैनल से कितना अर्निंग हो जा रहा है मंथली, अप्रोक्स बता दीजिए, बताना चाहे तो आप। इतना समझ लीजिए जितने सब्सक्राइबर हैं उससे कम नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा ही हो रहा है। थैंक यू सो मच। सो गाइस आपने देखा कि 1.5 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल कितना ज्यादा कमा सकता है, आप लोग भी कमा सकते हो, बट आप लोग काम नहीं कर रहे हो यार, सही वे में काम नहीं कर रहे हो, तभी आपका चैनल अभी तक वहीं पर है। अगर आप सही वे में काम करने लगोगे ना, दिल से काम करने लगोगे, तो आपका चैनल 10 दिनों के अंदर ग्रो हो जाएगा यार। जैसे मैं एक बात बताना चाहता हूं, यही पर याद आया कि जैसे आप बोल रहे थे, तो मैं आपको बता दूं आप लोग ग्रो क्यों नहीं हो पाते हैं, सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूं, आप इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आप खुद हैं। कि जैसे आपने कोई तैयारी करने के लिए आप गए, जैसे आपका होता है कि भैया मुझे सरकारी जॉब चाहिए, तो वहां पर आप जाएंगे, बाहर रूम लेंगे, रुकेंगे, पैसा खर्च करेंगे, रूम का भाड़ा वगैरह कुल देंगे,
कोचिंग जाएंगे, वहां से आएंगे, पढ़ेंगे, अपना खुद का खाना बनाएंगे, खाएंगे पिएंगे, इतना मेहनत करते हैं किस लिए? एक जॉब लग जाए मेरी 20,000-25,000 की, जो भी जॉब लगेगी। यूट्यूब आपको लाखों दे रहा है, लेकिन यहां जब मेहनत की बात आती है तो एक घंटे में भी अगर आपको एक घंटे एकदम अच्छा से मन लगाकर वीडियो बनाना है तो वो भी आप नहीं बनाते हैं। दो दिन बनाएंगे, चार दिन बनाएंगे, छोड़कर भाग जाएंगे, कहेंगे व्यूज नहीं आ रहा है। तो यार यहां कम से कम टाइम दो ना, जॉब एक दिन में लग नहीं जाती है, उसके लिए आप 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक मेहनत करते हो। कम से कम यहां 1 साल मन लगाकर 2 घंटे 4 घंटे लगाकर दो, जो डेली जैसे हम लोग टीचर्स की तरीके से है, जो भी YouTube टिप्स देते हैं, जो आपको सिखा रहे हैं रेगुलर, उनके वीडियो को देखो, पूरा देखो, एक सही तरीके से इंप्लीमेंट करो, काम करो। यार किसी का बाप भी आपको यूट्यूबर बनने से नहीं रोक सकता, लेकिन इतना सीरियस तो हो कि मुझे लाखों कमाना है यूट्यूब से, इतना अगर सोच लिए तो पक्का यूट्यूबर बनोगे, ये मेरी गारंटी है। इसमें अपने आप को मतलब अपने यूट्यूब के किंग समझने लग रहे हैं ना, थोड़ा सा क्या जान जा रहे हैं, इसीलिए ना अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं पूरा वीडियो को। एंड आपका वीडियो मतलब व्यू ड्यूरेशन ही कम दे दे रहे हैं, मतलब हर एक वीडियो का व्यू ड्यूरेशन कम हो जा रहा है, इसीलिए किसी का वीडियो नहीं चल रहा है। हाँ। समझ रहे हैं। तो आई होप गाइस इस वीडियो से आपको थोड़ी भी नॉलेज मिली है, अगर मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। सर का चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग जाकर चेकआउट जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।